हेलो नमस्कार, मैं अलका भोसर अलका का जायका में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फलाहारी रेसिपी है, इसे पेटीज भी कह सकते हैं और भजी भी कह सकते हैं। तो चलते किचन की ओर, देखते हैं इसे कैसे तैयार करना है। इसके लिए मैंने एक कप समा के चावल कहते हैं, मोरधन कहते हैं, भगर कहते हैं, वो ली हैं। इसको मैंने अच्छे से तीन पानी से अच्छे से हमें वॉश करना है, धो लेंगे हम तीन पानी से इससे। और देख सकते हैं आप, अच्छे मसल मसल कर हमें इन हाथों से इसको धोना है इस तरह से। अब ये तीन पानी से धो लिया है मैंने, और इसको हम एक इंच पानी और ऊपर रख देते हैं और ओवरनाइट गलाने के लिए रख देते हैं। आप चाहे तो तीन चार घंटे के लिए भी गला सकते हैं इसे, पर मिनिमम 3 से 4 घंटे ज़रूरी है। अब ये रात भर मैंने गलाने के लिए रख दिया था, अब इसको मैंने ड्रेन आउट कर लिया जिस पानी से, और उसके बाद हमने पानी का उपयोग नहीं किया है। और इसको हम ग्राइंडिंग जार में, इसमें मैंने बिल्कुल एकदम निताल लिया है, देख सकते हैं आप, थोड़ा सा पानी बचा है तो इसको भी हम अलग कर लेंगे। और बिना पानी डाले हमें इसको ग्राइंडिंग जार में पीसना है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है। तो अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं, और अगर मिक्सर चलाने में दिक्कत आए तो 10-15 सेकंड चलाएं, फिर उसको उल्टा चला लें। और उसके बाद इस तरह से आप देख सकते हैं, बारीक पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा हमारा। तो इसको मैं इस तरह से निकाल लेती हूँ एक तरफ, और देख सकते हैं आप गाढ़ा गाढ़ा पे, मतलब कितना गाढ़ा है, बिल्कुल एकदम बंधा हुआ आटे जैसा बना हुआ है हमारा ये। तो इस तरह का ही पेस्ट हमें चाहिए। अब इसमें मैंने 4 उबले आलू लिए हैं, तो जितनी आवश्यकता लगेगी उतना हम ले लेंगे। तो इनको, आलू को हमें मैश नहीं करना है, इसको अच्छे से हमें बारीक कीस लेना है, एक भी मोटा आलू का टुकड़ा हमें नहीं रखना है। और देख सकते हैं आप, इसको मैंने आलूओं को किसने के पहले मैंने थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए फ्रीज में रख दिया था, तो बिल्कुल एकदम जैसे चीज़ जैसे हमारे इसके निकल रहा है आलू किसा हुआ। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, और इसको कीस भी बिल्कुल एकदम बारीक करना है हमें। तो मैंने दो बड़े आलू ले लिए थे, और ये जो नीचे गिर गया था उसको भी वापस से मैंने कीस लिया है। तो इतने 2 आलू सफिशिएंट हो गए थे, आवश्यकता नहीं लगी। अगर आपका पानी ज़्यादा हो मोरधन के मिक्सचर में तो आपको आलू ज़्यादा लग सकता है, नहीं तो हमें इसमें, बिल्कुल मैंने बिना पानी के पीसा है इसलिए इसमें आलू की आवश्यकता हमें ज़्यादा नहीं लगी। 2 आलू में हमारा काम हो गया। और मिक्सचर जो मोरधन का है उसे भी हमें बारीक पीसना है, और इसे पतला घोल जैसा नहीं करना, नहीं तो हमारे जो पेटीज जैसे बनेंगे या भजिए बनेंगे उनको हमें तेल ज़्यादा पिएंगे। तो इसलिए हमें इस तरह से इसे अच्छे से हमें मैश करना है। मैश करते हुए अब इसमें हम अच्छे से मोरधन को और आलू को अच्छे से मैश करना है, मिक्सअप हो जाए अच्छे से। इसके बाद हम इसमें 2 डगार ली है मैंने मीठे नीम की, इसको मैं धो लिया था, और उसके बाद इसको मैं इस तरह से कट करके बारीक बारीक काट लेते हैं। मीठे नीम का स्वाद बहुत अच्छा आता है, कोई भी फ्राई चीज़ बनाएं उसमें आप मीठा नीम डालकर ट्राई करके देखें, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है मीठे नीम का। तो मीठा नीम डाल दिया, 2 हरी मिर्च ली है, अच्छी लंबी बड़ी बड़ी हरी मिर्च ली जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है। आप चाहे तो इसमें चॉपर में चॉप करके भी डाल सकते हैं, पर मैंने इसको बारीक काट लिया है। और अब इसमें मैंने, आप चाहे तो इसमें लाल मिर्च डाल सकते हैं, मैंने इसमें 1/2 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, फ्रेश काली मिर्च का उपयोग किया है, और 1/2 चम्मच फलाहारी नमक, सेंधा नमक, उसका उपयोग किया है। बस ये 2 मसाले ही इसमें लगेंगे, और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया, इसको धो लिया है, और इसको हम बारीक बारीक काट लेते हैं। आप चाहे तो अगर फलाहारी नहीं बनाते इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, लहसुन भी डाल सकते हैं, पर मैं फलाहारी बना रही हूँ तो इसमें मैंने सिर्फ 2 मसालों का उपयोग किया है, नमक और काली मिर्च का। अगर तीखा चटपटा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें लाल मिर्च भी उपयोग कर सकते हैं। ये एकदम हमारा जैसे रोटी का डो रहता है उस तरह से इसको मसल कर हम तैयार कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा तेल भी लगा सकते हैं, तेल का मोइन भी डाल लें।
अब इस तरह से मैंने इनको मैश करते हुए, अगर डो नहीं बने, ये थोड़ा सा अभी बन नहीं रहा है, तो इसको हम अच्छे से हाथों की सहायता से गोल गोल राउंड राउंड करके इसको पेड़े जैसा बना लेंगे इस तरह से। तो ये पेड़ा अच्छे से, और हाथों पे भी चिपक नहीं रहा आप देख सकते हैं, और अगर हाथों पे चिपके तो इसमें तेल लगा करके आप उस तेल का उपयोग करके फिर सिलेंडर शेप इस तरह से तैयार कर लें। आप चाहे तो इसे राउंड शेप भी दे सकते हैं, आप चाहे तो इसमें डो में चिली फ्लेक्स वगैरह भी डाल सकते हैं, जीरा, अजवाइन और सौंफ डालना हो तो वो भी डाल सकते हैं, खड़ा धना भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें फ्राइंग पैन में तेल डाल देती हूँ, तो इसको हमें तेल को ज़्यादा वार्म गर्म नहीं करना है, हमें मीडियम हॉट ऑयल चाहिए फ्राई करने के लिए, और बाकी बचे हुए सारे पेटीज हम और तैयार कर सकते हैं इस तरह से। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूल दें, ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। अब ये सारे तैयार हो चुके हैं, अब इनको मीडियम हॉट ऑयल देख सकते हैं आप, बिल्कुल बस इतना मैंने तेल को गर्म किया है जिससे बुलबुले निकल जाएं। बस अब इसमें हम थोड़ा सा फ्लेम को हम तेज कर देंगे, और इसके बाद हम इसमें सारे बड़े डाल देंगे इस तरह से। और अगर आप इसके भजिए जैसे बना करके खाना पसंद करते हैं तो इसके डो को पतला कर लें, तो भजिए भी इसके बन जाएंगे। अब इसको मैंने थोड़ा गर्म होने के एक दो मिनट बाद फिर इसको मैंने इस तरह से हल्के हल्के पलट देते हैं, और इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब फ्राई करने के बाद इसको मीडियम हॉट ऑयल पे फ्राई करते हैं जब तक हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने दो हरी मिर्च ली है जिनको मैंने टुकड़े कर लिए, इतना मुट्ठी भर कर हरा धनिया लिया है, इसको मैंने बारीक बारीक काट लेती हूँ ताकि हमें ग्राइंड करने में आसानी हो चटनी। और इसमें मैंने लगभग आधा चम्मच सेंधा नमक ले लिया है, और आप इसमें चटनी में भी जीरा डाल सकते हैं, अगर फलाहार ही खाते हैं आप फलाहार में तो डाल सकते हैं, मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। अब आधा चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च का भी पाउडर डाल दिया है, और आधा कप मैंने इसमें मूंगफली के दाने, भुनी हुई मूंगफली के दाने लिए हैं, और 4 से 5 कड़ी पत्ते डाल दिए हैं। अब इनको मैं थोड़ा सा इधर भी हम देख लेते हैं, फ्राइंग पैन में हमारे जो बड़े फ्राई हो रहे हैं उनको देख लेते हैं। इसमें लगभग हमारे 1 कप मोरधन में मीडियम साइज के 25 और बड़े साइज के बनाएंगे तो 20 वड़े तैयार हो जाएंगे। ये देख सकते हैं हमारे वड़े तैयार हो गए, बड़े कहें पेटिस कहें, ये सेकंड बैच है, सेकंड बैच के भी अभी हमारे ये मैंने डाल दिया था तैयार करके, तो ये सेकंड बैच चल रही है। तो लगभग कुल मिला के मैंने जैसा बताया आपको कि 25 बड़े हमारे बनकर इसमें पेटिस तैयार होंगे 1 कप मोरधन में, तो आप उसके अनुसार इसमें, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अलट पलट करते हुए हम इनको फ्राई कर लेते हैं। अब ये चटनी है तो चटनी की तैयारी हो गई है हमारी, तो इसमें मैंने लगभग, आप पानी अंदाज से लें, 1/4 कप पानी डाला है, और थोड़ी सी आपको जैसी पतली चाहिए गाढ़ी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी का उपयोग कर सकते हैं। ये मैंने 1/4 कप पानी लिया था। अब इसमें हमने मिक्स कर, ये चटनी ग्राइंड हो चुकी है हमारी, तैयार है चटनी, हरी चटनी, फलाहारी हरी चटनी। अब इसमें मैं जो मिर्ची है मिर्ची भी तैयार कर लेते हैं। तो मिर्ची 10 से 12 मिर्ची को लिया है इसमें, और मैंने बीच में चीरा लगा दिया है ताकि हमारी मिर्ची उड़े नहीं या फूटे नहीं, नहीं तो ये फूट जाती हैं मिर्चियाँ। तो इस तरह से मिर्चियों को मैंने चीरा लगा दिया है, छोटा सा चीरा भी लगा सकते हैं। और ये तेल हमारा ऑलरेडी फ्राई हो चुका था, तो इसमें मैं लास्ट में मैंने मिर्ची को इसमें डाल दिया है। बस हमें डाल करके लगभग 15 से 20 सेकंड इसको फ्राई करना है मिर्च को, और ये ऐसे कैसे निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी मिर्च तैयार होती है ये, और इसमें
अंदाज से आधा चम्मच करीबन मैंने सॉल्ट लिया है, सेंधा नमक, और उसमें मिक्स कर लिया। ये हमारी मिर्ची भी तैयार हो गई, चटनी भी तैयार हो गई और पेटिस भी तैयार हैं, भजिए कहें पेटिस कहें, मोरधन के बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। और इसको देखिए आप, बाहर से एकदम क्रिस्पी और ये अंदर से एकदम सॉफ्ट और मध्यम मध्यम आँच पे हमने तले मीडियम हॉट ऑयल पे, तो बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होते। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें इस तरह से चटनी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इसी तरह की एक नई रेसिपी के साथ। आप इसे एकादशी में बनाएं, सावन चल रहा है, सावन में ट्राई करें।